Now again next what is the output of given code? इस केस में जस्ट फंक्शन डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया है विच इज एक्सेप्टिंग इंटीजर स्टार और इंट स्टार मीन्स इंटीजर टाइप ऑफ पॉइंटर मीन्स मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले कॉल किया हो रहा है इस केस में मेन फंक्शन, तो सारे के सारे फंक्शन कॉलिंग टाइम पर मैं लोड कराऊंगा इन साइड स्टैक मेमोरी. किसी भी फंक्शन को स्टैक में लोड करने का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर ऑटो और लोकल वेरिएबल ऑफ द फंक्शन. मेन फंक्शन के अंदर ओनली सिंगल वेरिएबल टू वेरिएबल डिक्लेरेशन अवेलेबल है आई एंड पी. तो सबसे पहले इस केस में एलोकेशन किसके लिए? एलोकेशन फॉर आई एंड मेमोरी एलोकेशन फॉर पी. वन मोर थिंग्स, आई का इनिशियलाइजेशन कराया वैल्यू एज 10, पी का वैल्यू क्या है इस केस में? एड्रेस ऑफ आई मीन्स यहाँ स्टार डिक्लेरेशन का पार्ट है. पी का डेटा टाइप क्या है? इंट स्टार, लेकिन वेरिएबल नेम क्या है? पी नॉट अ स्टार पी. पी में साइन रहा एड्रेस ऑफ आई. डायग्राम के अकॉर्डिंग आई का एड्रेस क्या है? 100. सपोज दैट दिस इज द एन अदर लोकेशन ऑलरेडी रिजर्व टू अदर प्रोग्राम्स. एड्रेस क्या होगा? लाइक 102.104 एंड सो ऑन. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद मीन्स अगर पी के रिस्पेक्ट में बात करें, पी के अंदर कंटी एड्रेस किसका है? 100 लोकेशन का. तो पी इनिशियली पॉइंट किसको कर रहा है? लोकेशन आई मीन्स इसका अदर नेम क्या हुआ? स्टार पी. नेक्स्ट थिंग, जब फू फंक्शन कॉल होगा, फू के केस में सप्लाई क्या किया? पी प्लस प्लस प्री और पोस्ट पोस्ट ऑपरेशन. तो पहले इस केस में पी के प्लेस पर पी का वैल्यू रिप्लेस होगा. पी का वैल्यू करंटली क्या है? 100. इसलिए इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा? 100 ड्यूरिंग दिस फंक्शन कॉलिंग. देन रिप्लेसमेंट के जस्ट बाद पी में इंक्रीमेंट होगा. तो पी के केस में पी के पॉइंटर इंटीजर टाइप का पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर जब भी 1 से इंक्रीमेंट कराओ देने इंक्रीमेंट कितने से होगा? 2 से. तो इस केस में न्यू एड्रेस क्या जाएगा अकॉर्डिंग टू इंक्रीमेंट ऑपरेशन? 102. देन इमीडिएटली पी न्यू लोकेशन पॉइंट करना स्टार्ट करेगा. मीन्स पी के थ्रू कौन सा लोकेशन रेफर हुआ? 102 विच इज इसका नेम क्या हो जाएगा? स्टार पी. मीन्स अब पी नॉन लोकेशन पॉइंट करा अननोन और अनरिजर्व्ड लोकेशन. इस केस में पॉइंटर पी के ना पी बिकम्स डैंगलिंग पॉइंटर. लेकिन इस केस में अगर बात करें फू के अंदर अननोन एड्रेस पास हुआ है, नॉन एड्रेस मीन्स रिजर्व्ड एड्रेस. 100 कैसा है इस केस में? रिजर्व्ड एड्रेस फॉर वेरिएबल आई. नेक्स्ट वन, जैसे इस केस में फू फंक्शन कॉल हुआ देन स्टैक के टॉप में लोडिंग किसके लिए हो जाएगा? फू फंक्शन. दिस इज द लोकल वेरिएबल्स फॉर मेन फंक्शन. देन स्टैक के टॉप में नेक्स्ट टाइम इस कॉलिंग के अकॉर्डिंग लोडिंग किसके लिए हो रहा है? फू फंक्शन. जब फू फंक्शन लोड हुआ तो फू के रिस्पेक्ट में मेमोरी किसके लिए एलोकेट कराएंगे? लोकल वेरिएबल ऑफ फू विच इज अगेन पी. प्लस पी में कॉपी क्या हो रहा है? 100. मीन्स इस केस में चेक कर सकते हो मेन फंक्शन का पॉइंटर वेरिएबल पी पॉइंट किसको कर रहा है? अननोन लोकेशन को. जबकि फू फंक्शन का पॉइंटर वेरिएबल पी पॉइंट किसको करेगा? 100 लोकेशन. 100 क्या? रिजर्व्ड लोकेशन फॉर आई मीन्स नॉन लोकेशंस. देन इसके रिस्पेक्ट में जस्ट स्टार पी के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे? पी के प्लेस पर क्या जाएगा? पी का वैल्यू. इस केस में पी का वैल्यू क्या? 100. इट इज इक्वलेंट टू स्टार 100. मीन्स फाइनली स्टार पी क्या देगा इस केस में? वैल्यू ऑफ आई. क्योंकि इस लोकेशन का एड्रेस क्या है? 100. इसलिए इसका अदर नेम क्या हुआ? ऑल्सो स्टार 100 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस प्रॉपर्टीज. फाइनली स्टार 100 में वैल्यू क्या? 10. फाइनल रिजल्ट क्या इसका? आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज 10.